सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम रेस्टोरेंट से खाना खा के निकल चुके थे, तो अभी वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं पिछला व्लॉग। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी एक आधी चीज और बनने लग रही है ना, वो होगा जब ये बन जाएंगे फिर आएगा, फिर आना पड़ेगा।
बाइक यहाँ हमने पार्किंग में लगा दी है एंड फाइनली हम पहुँच गए हैं कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर गीता महोत्सव में। तो अभी घूमते हैं और आप दिखाते हैं पूरा यहाँ पे। दिमाग देखो, जब वो बाइक वहाँ पे खड़ी थी मेरे सामने, वो वहाँ से निकल के चली गई। अब ये बंदा है मेरे को ये बोल रहा है कि ये बाइक अपनी बुलेट उठा के इसको यहाँ रख लो। अब बताओ, बुलेट उठा के कोई यहाँ पे रख सकता है क्या? इस तरह से बोल रहा है जैसे कि कोई बहुत ही लाइट वेट बाइक है, उसको उठा के मैं यहाँ रख दूँ। महोत्सव ब्रह्म सरोवर चलो क्राफ्ट फेयर, यहाँ पे क्राफ्ट्स है। मस्त मस्त चीजें हैं यहाँ पे सारी। अच्छा हाँ, फोटो कौन खिंचा, तो वीडियो बनावा। हाँ लिया तो कुछ भी नहीं, जिस दिन तुमने समुंदर देख लिया ना मजा आ जाएगा कति। कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर है जो वो एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है, जो कि खुदाई करके मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, जो कि अपने आप में भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। ओके गाइस, तो सबसे पहले समझते हैं ब्रह्म सरोवर के इतिहास को। यह जगह क्यों फेमस है और क्यों यहाँ देश के दक्षिणी
राज्यों केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक से श्रद्धालु आते हैं। जिन लोगों की धर्म में अटूट आस्था है वो साल भर यहाँ बड़े श्रद्धा भाव से आते हैं। बाकी बहुत से लोग बहुत विशेष अवसरों पर जैसे सोमवती अमावस्या, सूर्य ग्रहण पर ही यहाँ आते हैं। दरअसल ब्रह्म सरोवर का संबंध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से माना गया है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का इस सरोवर से विशेष संबंध रहा है। पौराणिक अध्ययनों के अनुसार इस सरोवर की सर्वप्रथम खुदाई राजा कुरु ने की थी। इन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा था। और इस स्थल पर प्रजापति ब्रह्मा ने सबसे पहले युद्ध किया था। सरोवर के बीचों बीच ये जो मंदिर है ये शिव मंदिर है, जो कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पे शिवलिंग है जो खुद ही स्थापित किया था, ऐसा माना जाता है यहाँ के लोगों के अनुसार।